गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आज हम देखेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ओके, कि मेरे सामने अभी आपके सामने यहाँ पर एक प्रिज्म रखा हुआ है, इसमें रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएबल्स है उसमें क्या चेंजेस आएगा वो हम देखेंगे, और इसकी मदद से हम यहाँ पर जो भी हमारे पास मटेरियल होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, कि लाइक ये मेरे पास एक प्रिज्म अवेलेबल है, ये लाइट रेज आ रहे हैं ना, अगर बीच में मैं प्रिज्म रख दूंगा तो यहाँ पर क्या हुआ, डेफिनेटली इसका पाथ है वो चेंज हो गया। लाइट रेज अभी यहाँ पर है तो ये इसका पाथ है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये डाइवर्ट कर रहा है पाथ को। तो पाथ में चेंज होता है, डेविएशन मतलब कितना होता है, कैसे वो फाइंड कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो ये प्रिज्म का मैं अभी क्रॉस सेक्शन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, हम टू डायमेंशन में इसको ड्रॉ करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि ये प्रिज्म अवेलेबल है, अब इसको मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन में आपके सामने रख रहा हूं यहां से। ओके, एक फ्रंट व्यू आप कंसीडर कर लो इसको। तो मान लो कि अभी यहां पर लाइट रेज इंसिडेंट हुए, अगेन कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं लगाना है, कौन सा ये आपको मीडियम दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम दिख रहा है, मतलब एयर है, ग्लास है, क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन। सो कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे रिफ्रैक्शन का, जो जाना पहचाना और पुराना है वो, कि मान लो कि ये PQ रेज यहाँ पर इंसिडेंट हुए, ये रेज इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुए तो कौन सी साइड जाएंगे नहीं जाएंगे वो कहां से पता चलता है, नॉर्मल बनाने से। तो चलो नॉर्मल बना देते हैं। अब नॉर्मल के साथ ये रेज का एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रेज सीधा का सीधा चले जाते। आपको हर बार रिफ्रैक्शन में दो चीजें अप्लाई करनी है, इंसिडेंट रेज एक्चुअल बात दिखाना है और नॉर्मल बनाना है, ये दो चीजें अगर आप भूल गए दोनों में से एक भी तो आपको काफी दिक्कत आने वाली है। नाउ अब एरर में से डेंसर में जा रहे हैं तो क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गए, ये नॉर्मल है N1 तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गए, मान लो ऐसे, अभी सेक ऑफ सिंपलिसिटी में ऐसे दिखा रहा हूं। नाउ सिमिलरली आर पॉइंट पर भी यहां पर क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है, क्यों होने वाला है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज हो रहा है तो अगेन मैंने आपको बताया दो चीजें करनी है, एक तो ओरिजिनल पाथ दिखा दो, दूसरा गिवन पॉइंट पर नॉर्मल बना देते हैं। चलो ये मैंने नॉर्मल खींच दिया ऐसे। सो फाइनली डेंसर में से रेडर में रेज जा रहे हैं, कौन से साइड बेंड हो गए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दो। चलो तो यहां पर इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, इंसिडेंस हो इमर्जेंस हो रिफ्रैक्शन ऑलवेज नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, तो ये नॉर्मल N2 उसके रिस्पेक्ट में हमने बोल दिया इमर्जेंस एंगल, इसको बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और फर्स्ट AB सरफेस इसको बोल दिया R2, और अगेन इमर्जेंट रेज है उसको मैं पीछे की साइड एक्सटेंड करूंगा तो ये कितना एंगल बना रहे हैं, तो उसी एंगल को हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। ओके, डेविएशन एंगल का मतलब क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज। ओके, कि लाइक इस प्रिज्म में से मैं रेज पास करवा रहा हूं, अभी ऐसे जा रहे हैं क्रॉस में, अगर प्रिज्म बीच में रख दिया यहां पर तो पाथ क्या हो गया, डेविएट हो गया, तो डेविएशन एंगल आपको कुछ मिलने वाला है। ओके, सो इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब मैं फिर से समझा रहा हूं, द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज दैट इज कंसीडर्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमें इस थियरी में क्या स्टडी करना है, यहां पर हमें एंगल ऑफ प्रिज्म, इंसिडेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन इसका रिलेशन चाहिए, कि लाइक इसको नाम दे देते हम A B C, इसको बोल देते D और इसको बोल देते E। Now, तो कैसे यहां पर हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे, तो देखो कि एक आप क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करो, क्वाड्रिलेटरल, उससे पहले मैं सारे नोटेशन आपको दिखा देता हूं, PQ दैट इज व्हाट इंसिडेंट रे, QR दैट इज व्हाट रिफ्रैक्टेड रे, सिमिलरली RS दैट इज व्हाट इमर्जेंट रेज, सिमिलरली आई स्टैंड्स फॉर व्हाट
एंगल ऑफ इंसिडेंस सिमिलरली ई दैट इज व्हाट एंगल ऑफ इमर्जेंस इमर्जेंट रेज का नॉर्मल के साथ एंगल सिमिलरली और कुछ बचा ए दैट इज व्हाट एंगल ऑफ प्रिज्म डेल्टा दैट इज व्हाट एंगल ऑफ डेविएशन ये सारे टर्म्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं डेरिवेशन के लिए तो अभी मैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर रहा हूं क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखना चाहिए ए क्यू ई आर तो मुझे ये बताओ ए क्यू ई एंगल कितना होगा ई क्यू ई वो नॉर्मल है ए क्यू से मतलब ये 90 डिग्री हुआ तो एंगल ए क्यू ई 90 डिग्री सिमिलरली एंगल ए आर ई ई आर भी नॉर्मल है गिवन पॉइंट के लिए मतलब वो भी 90 डिग्री ध्यान रखना अगर समझ में आए तो फिर से थोड़ा सा दिमाग लगा देना एंगल ए आर ई इट इज ऑल्सो 90 डिग्री अब क्वाड्रिलेटर में दो एंगल तो 90 हो गए इसका मतलब ऑपोजिट एंगल क्या हो गए दो ऑपोजिट एंगल 90 है बाकी ऑपोजिट एंगल का समेशन क्या होना चाहिए 180 तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल क्यू ई आर इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री यस और नो ओके नाउ इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के साथ सिमिलरली अगेन मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं क्यू ई आर ट्राइंगल क्यू ई आर में एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल क्यू ई आर कितना होने वाला है एंगल आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू ई आर हाउ मच इट्स 180 नाउ हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें वन और टू को तो देखो एंगल क्यू ई आर 180 की जगह पर क्या रख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू सी आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू ई आर इज इक्वल टू आपकी तसली के लिए डेटा रख रहा हूं 180 की जगह पर ये रख रहा हूं एंगल ए प्लस एंगल क्यू ई आर सो फाइनली हमें ए क्या मिला दैट इज आर वन प्लस आर टू एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आर वन प्लस आर टू जितनी होगी ना अभी भी हमारा काम यहां से तो कुछ बन नहीं रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें तो जैसे तैसे करके डेल्टा को इंट्रोड्यूस करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि लाइक इसको मैंने बोल दिया आर वन डेस या डेल्टा वन बोल देते चलो अच्छा रहेगा इसको बोल रहा हूं डेल्टा टू तो डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा वन और डेल्टा टू का देखो मैं फिर से दिखा रहा हूं डेल्टा है वो डेल्टा वन और डेल्टा टू का एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का तो हम क्या लिख सकते इन ट्राइंगल डी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू तो देखना यहां से ये सोल्व होने वाला है डेल्टा वन प्लस आर वन क्या लिख सकता हूं आई सी ये पूरा एंगल है वो सेम होने वाला है मतलब आई इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन इसका मतलब डेल्टा वन कितना आई माइनस आर वन सिमिलरली डेल्टा टू प्लस आर टू दैट इज व्हाट ई सो ई इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस आर टू इसका मतलब यहां पर डेल्टा टू है वो हमें कितना मिलेगा ई माइनस आर टू सो फाइनली अब डेल्टा वन के लिए अगर हम जाए तो ये क्या बनेगा आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू डेल्टा टू की वैल्यू सो आपको क्या दिख रहा है ये आई प्लस ई माइनस कॉमन निकाला आर वन और आर टू सो हियर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू हमने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया है कितना है ए सो आई प्लस ई इज इक्वल टू व्हाट ए प्लस डेल्टा सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंस एंगल एंड इमर्जेंट एंगल ओके तो यहां से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन है वो कौन सी चीजों पर डिपेंड्स है प्रिज्म एंगल पर और एंगल ऑफ इंसिडेंस पर देखो मैं इमर्जेंस एंगल का नाम नहीं ले रहा हूं
क्योंकि वो ऑलरेडी ऑटो एडजस्ट हो जाएगा आई की वैल्यू पर, इसलिए. सो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एक तो मटेरियल पर डिपेंड्स रहेगा, वेवलेंथ पर डिपेंड्स रहेगा, दूसरा है इंसिडेंस एंगल और तीसरा है प्रिज्म एंगल. ओके, सो ये चार चीजों पर ये डेविएशन एंगल डिपेंड्स रहने वाला है. ओके, सो ये इसी साल जीएससीबी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जीएससीबी 2020 में बोर्ड में. ओके, सो अभी हमें और आगे बढ़ना है, हमें यहाँ पर डेल्टा और आई का रिलेशन भी निकालना है, मिनिमम डेविएशन के लिए भी जाना है. सो लेट अस सी, अब मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या है. तो देखो, अगर हम यहां पर डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इमर्जेंस के लिए जा रहे हैं तो उसका नेचर कैसा मिलेगा. ये एक्चुअली आपका एक्सपेरिमेंट है, प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बनाना है उसमें, तो एक्सपेरिमेंटली ये ज्यादा क्लियर होता है. फिर भी हम यहां पर सिर्फ ग्राफिकली स्टडी कर ले कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू के लिए मुझे मान लो डेल्टा यहां पर मिल रहा है 50 डिग्री. अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले इनिशियली बढ़ता है तो डेविएशन कम हो रहा है, फिर अगेन ये बढ़ रहा है. मतलब अभी आप देखो ये सब कुछ ऊपर से जाने वाला है कि पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इमर्जेंस और इंसिडेंस वो सेम हो गए तो डेल्टा हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है. तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं कि जब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस सेम हो तब ये जब मिनिमम मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. मैं फिर से समझा रहा हूं कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या है या फिर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस के लिए, यहां पर जो डेविएशन होगा मिनिमम रहेगा, काफी लो रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम एंगल. सिर्फ ये एक ही हालत में होता है, कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस क्या हो, सेम हो. ये चीज थियोरेटिकली डिस्कस करने से समझ में नहीं आती है, इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है. प्रैक्टिकल डेफिनेटली आपके जो मैनुअल है उसमें है ही और आप परफॉर्म करने वाले ही हो. सो डोंट वरी अबाउट दिस ग्राफ ओनली. ओके, नाउ अब हमें यहाँ पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालनी है कि लाइक ये मेरे पास प्रिज्म अवेलेबल है तो उसमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वो निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, फॉर मिनिमम डेविएशन ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, डेल्टा इज इक्वल डेल्टा मिनिमम कब मिलेगा, जब आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस सेम होंगे तब. और जब आई और ई सेम होंगे इसका मतलब आर वन और आर टू भी सेम होंगे, ध्यान रखना. सो आर वन इज इक्वल टू आर टू और मैं उसको कितना बोल रहा हूं, आर बोल रहा हूं. तो देखो अभी हमने इससे पहले ये डिराइव किया, A is equal to R1 plus R2. I hope याद होगा, नहीं है तो रिवाइज कर लो. तो R1 मतलब R plus R, that is how much? 2R. So R is equal to how much? A by 2. ऐसी बेजामारी में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, मेरे पास प्रिज्म अवेलेबल है तो उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड कर सकता हूं. तो देखो पॉइंट क्यू आप कंसीडर करो, एट क्यू पॉइंट स्नेल्स लॉ लगा दो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए जाना पीछे ना लो, स्नेल्स लॉ. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो कि एयर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इस प्रिज्म के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, तो एयर के लिए तो वन होता है, तो म्यू वन साइन आई, जिस मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, आर लेकिन आर वन है, रहने दो. सो फाइनली म्यू वन मतलब वन, मतलब साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर. तो हमें अब और एक चीज की जरूरत पड़ी आई की, तो आई हमें निकाले जाना पड़ेगा. ओके, किला इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन, आर तो मैंने अभी निकाल दिया, आई कैसे निकालेंगे, अभी ताजा माजा डेरिवेशन किया हुआ था, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. सो फॉर मिनिमम डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, डेल्टा मिनिमम के लिए आई इज इक्वल टू क्या है, ई है,
तो मैं आई और ई को सेम रखूंगा, मतलब ई की जगह पर आई रखूंगा, सो ए प्लस डेल्टा एम। सो फाइनली मुझे यहां पर आई कितना मिलेगा, ए प्लस डेल्टा एम बाय टू। सो अब ये डेटा रख दे इक्वेशन वन में कि म्यू इज इक्वल टू व्हाट, साइन आई बाय साइन आर। सो आई की वैल्यू रखो आप, साइन आई मतलब ए प्लस डेल्टा एम बाय टू डिवाइड बाय साइन आर। आर की वैल्यू अभी मैंने डिराइव की, ए बाय टू। सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ओके, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगेन कौन सी चीज पर डिपेंड्स है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर डिपेंड्स है। नाउ सी, यहां से अगर हम स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए जाए कि लाइक काफी स्मॉल प्रिज्म एंगल होगा तो क्या कर सकते हैं, वो भी हमें यहां पर देखना है। तो देखो, फॉर स्मॉल प्रिज्म, तो स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए मैं साइन थीटा है उसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, थीटा लिख सकता हूं। जब भी थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिखते हैं, थीटा। तो सिमिलरली साइन के अंदर जो कुछ भी लोचाला बचा है उसको हम क्या लिखेंगे, लोचाला बचा। तो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय टू बाय ए बाय टू। सो टू टू गयो, सो फाइनली हमें क्या मिला, म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। सो हमारा टारगेट है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या डेविएशन। डेल्टा एम को मैं डेल्टा कंसिडर कर रहा हूं, मेरे घर की मेथड है ऐसा मानकर चलना है, तो मानकर चलो ये काफी इजी मेथड है क्योंकि हमें यहां से सिर्फ फॉर्मूला के लिए काम है, स्मॉल प्रिज्म के लिए हमें डेरिवेशन के लिए जनरली नहीं जाना होता है। तो इसलिए मैंने डेल्टा एम वाले फॉर्मूला में ये सारा डेटा रख दिया है। दूसरी मेथड इसकी स्टैंडर्ड मेथड डेरिवेशन की, लेकिन अभी हम यहां से ही जाएंगे क्योंकि हमारे लिए मायने क्या रखता है, फॉर्मूला। सो डेल्टा आपको फाइंड करना है तो क्या आएगा, ए इस साइड ले लो तो म्यू माइनस वन इंटू ए, इट्स योर डेविएशन एंगल। ओके नाउ, तो यहां से ये डेविएशन स्मॉल प्रिज्म के लिए से मिल जाएगा, किस पर डिपेंड्स रहा है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड्स रहा डेविएशन। ओके, और एंगल ऑफ प्रिज्म पर, लेकिन मेजरली ये कौन सी चीज पर डिपेंड्स रहेगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड्स रहेगा क्योंकि प्रिज्म एंगल तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है। गिवन प्रिज्म के लिए हम जाएंगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड्स रहेगा। ओके, तो आज अभी जो भी ये डेरिवेशन किया हुआ है, अभी तो आपको सब कुछ जादू करना ही लगेगा कि ये क्या हो गया, लेकिन आपको 4 से 5 बार ये करना पड़ेगा। जब 4 to 5 times रिटर्न प्रैक्टिस होगी तो ऑटोमेटिक ग्रिप आ जाएगी। ओके, तो आज यहां तक ही रखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे। धन्यवाद।